सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू आल। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे सारयां दा पंजाब अड्डा 24/7 चैनल ते, जिथे प्रेपरेशन हो रही है पंजाब दे सारे एग्जाम्स दी। असीं लेके आ रहे एक नवा शो जिहदा नाम है साडा पंजाब साडी गलबात, जिस विच आपां गल करांगे पंजाब ते पंजाबियां बारे, खास करके पंजाब दे नौजवानां दे भविख दी गल करांगे। उह सारे मुद्दे, उह अहम मुद्दे जो पंजाबियां दे फ्यूचर डिसाइड करनगे, चाहे उह पोलिटिकल होवे चाहे इकनोमिकल होवे, किसी भी तरीके नाल उहदी गलबात कीती जाएगी जो स्टार्ट होण जा रहा है हर एतवार सवेरे 11 बजे। लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करो पंजाब अड्डा 24/7 चैनल नू, ते डाउनलोड करो ऐप अड्डा 24/7। Hey everyone, my name is Nitika Gupta and I'm your English trainer at Punjab Adda 24/7. So how are you all? I hope you all are doing great. So आपका संडे कैसे गया? ये वीकेंड जब आता है तो कुछ ना कुछ आप प्लानिंग करते होंगे कि हमें वीकेंड में कोई ना कोई चीज़ें करनी है। तो आई होप जो भी आप चीज़ें अपने आप से प्रॉमिस करते हैं आप उन्हें ज़रूर पूरा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम बहुत कुछ इस सेशन में सीखते हैं। वी लर्न वोकैबुलरी, वी लर्न अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो चलिए आज पढ़ते हैं, हमारा वर्ड ऑफ द डे के साथ शुरुआत करते हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश जी, मनदीप जी, अभिषेक जी, अनुराधा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। शो स्टार्ट करते हैं वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में आज जो मैं वर्ड्स लेकर आई हूँ आपके लिए, दैट आर एश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। देखो सब बोलने में ऑलमोस्ट सेम है, जो डिफरेंस आता है दैट इज ओनली इन राइटिंग, जो स्पेलिंग्स है उसमें ही डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अश्योर दिलाना, किसी को अश्योरिटी दिलाना या इंश्योर करना, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्या हम इस क्या इस डिफरेंस को समझ पाते हैं? तो चलिए आज समझते हैं, नहीं भी समझ पाते तो जो फर्स्ट वर्ड है इन अश्योर, दैट स्टार्ट्स विद ए, दैट मीन्स जब हमने किसी से कोई चीज़ बोली करने को और वो उस पर्टिकुलर इंसान ने मुझे अश्योरिटी दिलाई है, मुझे वर्बल गारंटी दी है, वर्बल, ठीक है, बोल के। मैंने किसी को कोई काम बोला करने को, उसने क्या कहा, डोंट वरी मैं कर दूंगा या मैं देखूंगा, अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस काम को करूँगा। सो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है आपको वर्बल गारंटी दे रहा, गारंटी ही है लेकिन वर्बल गारंटी है, ठीक है। इंश्योर, इंश्योर जो कि ई से स्टार्ट होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? हाय आशना, वेरी गुड आफ्टरनून, भावना जी गुड आफ्टरनून। सो जो ई से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं 100% गारंटी, यानी कि वहां पे भी गारंटी है यहाँ पे भी गारंटी है, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो भी काम आपने मुझे बोला है वो होगा ही होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिटर्न गारंटी देता है, इंश्योरिटी दिलाता है कि जो भी काम होगा वो सर्टेनली होगा ही होगा। जैसे हमने किसी को कोई काम बोला, सपोज हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम बोलते हैं, कहीं किसी नोन पर्सन को या कोई बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स जो हैं काम बोल के आते हैं कि यार ये देख लेना, इसका एग्जाम है देख लेना एक बार, या इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी एक्स वाई जेड वहाँ का स्टाफ मेंबर होता है वो कहता है हाँ मैं देख लूंगा। तो अब वो देख लूंगा उस डिपेंड करता है कि उस वो चीज़ उसने किया है या नहीं किया है। जहाँ पे वर्बल चीज़ें बोली जाती हैं दैट कम्स अंडर ए वाला अश्योर, ठीक है, याद रखना वर्बल गारंटी जो है अश्योरिटी में दिखाई जाती है। इंश्योर कि हम 100% अगर मैंने कोई चीज़ बोली है ना कि मैं करूँगा तो ये 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो काम मैंने बोला है वो मैं करूँगा, इंश्योर हूँ, इंश्योरिटी दिला रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वन इज इंश्योर अगेन, ये क्या है, ये हम उसमें लेते हैं जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंश्योरिटी होती है, उसको इंश्योर कहते हैं कि हमने अपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, इंश्योरेंस पॉलिसी कि हम इंश्योर्ड हैं, यानी कि अगर हमारे घर को कुछ होता है तो हमने अपने घर की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हमारा घर इंश्योर्ड है, हमारी कार के साथ कुछ भी होता है
शीशा टूटता है या कोई भी चीज ब्रेक होती है या इंटरनल कोई इश्यूज आते हैं, तो हमारी गाड़ी इंश्योर्ड है, यानी कि हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है, इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को। गगनदीप सिंह जी, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू गुरिंदर जी, थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून। सत श्री अकाल भूपिंदर जी, गुड आफ्टरनून। मुकेश जी, गुड आफ्टरनून। कमलदीप जी, सत श्री अकाल। चलिए बढ़ते हैं। भूपिंदर जी, गुड आफ्टरनून। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर, देखो मिलता जुलता है, कहाँ दिक्कत आती है समझने में, क्योंकि यही वर्ड्स हमें दिक्कत करते हैं स्पॉटिंग एरर्स में, यही वर्ड्स हमें प्रॉब्लम देते हैं फिलअप्स में। ये वर्ड्स मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर अश्योर की जगह उसने इंश्योर लगा दिया तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वर्ड आप समझते हो उसको प्लीज डीप में जाके क्लियर किया करो उनके कॉन्सेप्ट को, तो ही आपको जो है ईजी लगेगा इंग्लिश। गगनदीप सिंह जी, सत श्री अकाल। आकांक्षा गुप्ता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉज किया है फॉर 1 मिनट, आप एक बार रीडिंग ले सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 21 सीरीज चल रही है, और आने वाले टाइम में, क्योंकि विद इन 2-3 डेज मैं PSSSB के सिलेबस को भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो हम साथ साथ में वो भी करेंगे PSPCL के साथ में, ठीक है। चलिए, ये कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है, महापैक जो है आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो बार बार जो है एग्जाम्स जितने आते हैं, अब हम हर बैच को नहीं खरीद सकते, हर बैच के अपने कुछ चार्जेस हैं, कोई आपको कोड लगाकर जो बैच है ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ तक का पड़ जाता है, या 1840 का। तो एक बैच अगर 1840 का पड़ता है तो 1 महापैक आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 1 महापैक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ जितने भी बैचेज होंगे वो सारे फ्री हो जाएंगे, उनके लिए आपको इंडिविजुअली पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसमें अदर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपको, 488 मॉक टेस्ट हैं, जैसे हर सब्जेक्ट की हमने तैयारी करी, अब हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो अड्डा ही आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ई बुक्स 3 बुक प्रोवाइड कर रहा है, लाइव क्लासेस टीचर्स की आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपने एक बार PSPCL का बैच ले लिया है तो डजंट से कि आप दोबारा नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड सेशन आप 10 बार देख सकते हो, 100 टाइम्स देख सकते हो, और आने वाले जितने भी पेपर्स हैं वो आप बार बार देख सकते हो। करना क्या है, आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं Adda247 से, दिस इज माय कोड, आप ये कोड को यूज कर सकते हैं, इससे आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है, डिस्काउंट है, वो अवेल हो जाएगा, जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है इससे कोड से मिल जाएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में ना एक चीज़ें पक्की होती हैं, आनी आनी है, लेकिन फिर भी इजी होती हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, या हमें गलती हो जाती है। ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज रिलेटेड टू आर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर प्रपोजिशन। ये ब्लैंक्स जो हैं 3-4 मार्क्स के आपके कन्फर्म रहते हैं कि आते ही आते हैं। सो इट कैन इंक्लूड द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पोर्शन, इट कैन इंक्लूड द प्रपोजिशन पोर्शन, इट कैन इंक्लूड द कंजक्शन पोर्शन। जो आज पोर्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रही हूं, क्योंकि ये फिक्स नंबर्स रहते हैं इनके रूल्स के अकॉर्डिंगली। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते निशा जी, रवनीत कौर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्ते भूपिंदर जी, कहाँ चले गए। सुखमीन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आकांक्षा जी, गुड आफ्टरनून। हाय नवजोत कौर, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, क्वेश्चन है हमारा पहला, मोर देन 1% डैश हर्ड द न्यूज, आपको मुझे इसका आंसर देना है, क्या आएगा। कल एक सर ने, भूपिंदर कौर, मैं ब्लॉक नहीं कर दी, इसलिए तुसी मेरा सेशन जरूर अटेंड करो, ठीक है।
ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਨ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਰਿਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਰੂਲ ਆਪਕੋ ਕਰਵਾਨਾ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਅਗਰ ਯੇ ਰੂਲ ਆਤਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ, ਤੋ ਇਸਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਕੋ ਦੋ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਾਊਨ ਹੈ ਵੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਊਨ ਹੈ ਵੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਗਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਬ ਰਿਮੂਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਆਂਸਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਸੂਰਜ ਕਾਸ਼ਪ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਮੋਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸਨ ਇਜ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਆਪਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੂਲ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਇਜ ਆਏਗਾ, ਵੋਜ ਆਏਗਾ, ਹੈਜ਼ ਆਏਗਾ, ਕਿਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਕੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਵਰਬ ਕੌਨ ਸਾ ਟਾਈਪ ਮੇਂ ਲਗਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਕਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਲਗਾ, ਥਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਸਕੇ ਸਾਥ ਆਤੀ ਹੈ, obviously has ke sath aayegi, theek hai, was nahi aayega, is nahi aayega, kyunki chal raha hai, zyadatar logon ne news ko suna hai, is tarah se, yani present perfect ki baat chal rahi hai, to has aa jayega, theek hai। dusra rule aapko yahan yaad rakhna hai, dusra rule kehta hai agar more than one ke baad ye wala jo noun hai ye plural hota to आगे जो हेल्पिंग वर्ब था वो भी प्लूरल हो जाता। सो रूल कहता है मोर देन वन का कि मोर देन वन सिंगुलर भी यूज होता है, मोर देन वन प्लूरल भी यूज होता है, डिपेंड अपॉन द नाउन। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, नाउन प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। अगर सपोज पर्सन की जगह वो प्लूरल फॉर्मेट दे देता, जैसे मैन का क्या आता है, प्लूरल मैन, विमेन का प्लूरल क्या हो जाता है, विमेन, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये याद रखो ये सिंगुलर है ये प्लूरल, अगर सपोज पर्सन की जगह मेन होता तो यहाँ पे आंसर आ जाता हैव। तो ये रूल आपको जरूर याद रखना है, डन। चलिए हमारा आंसर क्या बना, हैज। देखो इम्पॉर्टेंट था, इजी था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है, इसीलिए ये रूल याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट था, बट आई अप्रिशिएट कि आप सब ने इसको अटेम्प्ट किया है। जो स्टूडेंट्स ने गलत किया है उनको ये चीज़ याद रहेगी कि मैंने ये आंसर गलत दिया था, मुझे ये नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ओनली द मैनेजर बट ऑल्सो द इम्प्लॉयज टू डैश अ हॉलीडे फॉर न्यू ईयर। आंसर्स दो फटाफट से, इतना टाइम नहीं लगाना, विद इन सेकेंड्स आपके आंसर आने चाहिए। हेलो अमनदीप, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारी क्लास में, वेलकम। परविंदर कौर जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। देखो रूल याद रखो, रूल क्या कहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, कंजक्शन की पेयरिंग, इसका रूल याद रखना है। खाली नॉट ओनली बट ऑल्सो ही नहीं, नाइदर नॉर के साथ, ठीक है, या फिर आइदर और के साथ, या फिर कंजक्शन की पेयरिंग के साथ, मैं ऐसा लिख देती हूँ, वहां पे कोई भी पेयरिंग आती है कंजक्शन की तो आपको ये रूल जो है याद रखना है, कंजंक्शन, ठीक है, इसकी पेयरिंग का रूल याद रखना है आपको।
रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट नंबर वन देखना है आपको, सब्जेक्ट नंबर टू देखना है आपको, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा है वो देखना है आपको। यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट नंबर टू के बगल में लगा है तो वो उसको फॉलो करेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा है सब्जेक्ट नंबर वन के बगल में, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी, तो वो उसको फॉलो करेगा। यानी रूल क्या कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट नंबर टू के बगल में लगा है हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट नंबर टू की जेंडर वो देख लो कितना, नाउन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दिस इज प्लूरल नाउन, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, प्लूरल। तो अब इसमें से वॉन्ट वाला प्लूरल होगा, कई स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन है कि वॉन्ट प्लूरल होता है या वॉन्ट्स प्लूरल होता है, जिसमें वर्ब के बगल में एस ई एस होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, जिसमें एस ई एस नहीं होता वो प्लूरल होता है। तो हमारा आंसर क्या बन गया, वॉन्ट बन गया हमारा आंसर, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ने अगेन इसमें गलती की है वो ये ध्यान रखे, हमें सब्जेक्ट नंबर टू को फॉलो करना है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, वॉन्ट। यार चैटिंग कम करो प्लीज, क्योंकि मुझे फिर क्वेश्चन के आंसर दिखते नहीं है ना, आप लोग क्या पूछ रहे हो, थोड़ी थोड़ी करो, बहुत ज्यादा मत करो यार, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों के मिस कर जाती हूँ। पेन एंड पेपर डैश द ओनली आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। देखो मैं हमेशा आपके लिए ट्रिकी क्वेश्चंस लाती हूँ जो कि इजी होते हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट होते, इसीलिए यहाँ चैटिंग कम ध्यान दो पढ़ाई में, ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे इस तरह का आपकी आपको क्वालिटी पढ़ाई की। उपिंदर मैं ब्लॉक नहीं करना, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ यार पढ़ाई करो बस, क्योंकि मेरा मकसद है तुम्हारे पेपर क्लियर कराना और कोई मकसद है नहीं, ठीक है। रूल देखो, पेन एंड पेपर, पेन एंड पेपर की चीज़ है, दो एक्सेसरीज है। अगर मैं बात करूँ पेन एंड पेपर एज इंडिविजुअल एक्सेसरीज, ठीक है, एक पेन है एक पेपर है, दो चीज़ें होगी, रूल कहता है उसके हिसाब से देखो, नाउन अगर सिंगुलर है तो अगेन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। रूल नंबर टू, ये था हमारा रूल नंबर वन, सिंगुलर है नाउन तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है नाउन तो प्लूरल आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर पेन एंड पेपर इज इम्पॉर्टेंट टू राइट, इस तरह से सेंटेंस होगा, पेन एंड पेपर को उसने एक यूनिट मानकर चला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, नहीं समझ आएगा वरना। पेन एंड पेपर को अगर उसने एक यूनिट माना है, अलग अलग से उसने काउंट नहीं किया, उसने बोला यार पेन एंड पेपर तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेन एंड पेपर को अगर वो सिंगुलर यूनिट मान के चलता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। दोनों रूल्स जो हैं एग्जाम में दिखते हैं, पेन एंड पेपर यहाँ क्या था, ये प्लूरल था, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, लेकिन अगर वो सिंगुलर यूनिट की तरह बोल रहा है, पेन एंड पेपर जरूरी होते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वहां पे इज आ जाएगा, करेक्ट। आपको याद रखने हैं रूल्स इसके, हाँ जी दैट इज करेक्ट आकांक्षा, ब्रेड एंड बटर एज ए सिंगल यूनिट काउंट करते हैं, कि ब्रेड और बटर दोनों पार्ट हैं, दोनों टाइप्स हैं एक ही चीज के, खाली खाली बटर नहीं खाया जाता, खाली ब्रेड नहीं खाया जाती, ब्रेड और बटर एज ए यूनिट हम लेते हैं, उसी तरह से पेन एंड पेपर अगर एज ए यूनिट लेंगे तो सिंगुलर आ जाएगा, अगर इसको प्लूरल की फॉर्मेट में लेंगे तो प्लूरल आ जाएगा, तो यहाँ आंसर होगा आपका आर। सो वेरी गुड टू यू ऑल, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अगेन,
आज के जितने क्वेश्चंस है ना, दैट ऑल आर आपको देखने में लगेंगे यार बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, यही पेपर में आते हैं, एक्चुअल में यही क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं पेपर में। रवनीत कौर इज सेइंग मैम रिपीट कर दो। देखो पेन एंड इसका एक रूल आगे आ रहा है, मैं वहां पे दोबारा रिपीट करती हूँ आपको, डोंट वरी। मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स विद द सीईओ, फटाफट से आंसर दो। अग्री आएगा या फिर अग्रीज आएगा, अगेन ट्रिकी है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। रूल क्या कहता है कि अगर मेजॉरिटी के बाद बोर्ड मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ के बाद बोर्ड मेंबर्स जो कि नाउन है प्लूरल में, तो डेफिनेटली प्लूरल फॉर्मेटिंग चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। यहां सिंगुलर होता तो सिंगुलर चली जाती। पहला रूल कहता है अगर मेजॉरिटी ऑफ के बाद ये नाउन सिंगुलर होता तो आंसर आपका सिंगुलर चला जाता, प्लूरल होता तो प्लूरल चला जाता। ये आपका रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू कहता है अगर द मेजॉरिटी होगा, अगर द मेजॉरिटी होगा तो क्या जाना चाहिए, देन इट शुड बी सिंगुलर, ठीक है। अगर द मेजॉरिटी है तो सिंगुलर। अगर रूल नंबर थ्री कहता है अगर अ मेजॉरिटी है तो ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्मेटिंग आएगी तो प्लूरल ही जाएगा, ठीक है। तीन रूल मैंने आपको मेजॉरिटी के करवा दिए हैं। मेजॉरिटी ऑफ नाउन प्लूरल है तो आंसर हेल्पिंग, जो भी आपका आंसर है वर्ब प्लूरल होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लूरल में जाना चाहिए। अगर द मेजॉरिटी है तो सिंगुलर चला जाएगा, अ मेजॉरिटी है तो प्लूरल चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें आंसर क्या मार्क करना है, अग्री। अग्री हमारा आंसर हो गया क्योंकि मैंने यहाँ अभी समझाया आपको जिसमें एस ई एस आता है वर्ब में वो क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। हाँ जी, अ मेजॉरिटी तरुणप्रीत मैंने यहाँ बताया है, अ मेजॉरिटी के साथ प्लूरल जाएगा, ठीक है। अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल चला जाएगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली प्लूरल ही आता है। द मेजॉरिटी ऑफ यानी द मेजॉरिटी के लिए हम क्या कह रहे हैं, हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, सारी जनता, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, लेकिन है तो एक ही ग्रुप है ना। ग्रुप में अगर इंडिविजुअल लेवल पे मैं मेंबर्स काउंट करती तो वो प्लूरल हो जाता, अगर मैं एज ए ग्रुप कोई बात कर रही हूँ तो वो सिंगुलर हो गया। ग्रुप तो ग्रुप ही होता ना, एक ही ग्रुप है, लेकिन अगेन मैं एज ए अलग अलग मेंबर्स को काउंट करूंगी तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं समझने के लिए, मैं बात कर रही हूँ पीएसपीसीएल का बैच, ठीक है, बैच तो एक ही है ना। अगर मैं काउंट करूँ उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमने जो एडमिशंस किए हैं दैट आर 500 स्टूडेंट्स है, तो मैंने स्टूडेंट्स वाइज जब काउंट किया वो प्लूरल केस चला गया, अगर मैंने यूनिट को काउंट किया तो सिंगुलर केस चला गया। चलिए आई होप समझ आ गया आपको, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिमरनजीत कौर, क्लास की टाइमिंग्स 12 से 1 होती है रोज, इसमें हम इंग्लिश कॉम्पिटिटिव करते हैं, ठीक है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है पीएसपीसीएल पीटीपीएसपी या पंजाब से जितने एग्जाम्स है, स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है, इसमें हम डिटेल में करते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। वेरी गुड आफ्टरनून चीना जी। चलिए, 7 years dash is a long time to live away from home. देखा जाए, मेरे को यहाँ कुछ plural formatting दिख रही है, मैं क्या करूंगी आंसर में, मैं वहां पर R लगाकर आ जाऊंगी। चीना इज सेइंग लेट हो गए, डोंट वरी, आप दोबारा से देख लीजिएगा सेशन, और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़े हैं
उनके लिए मेरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो ऑलरेडी हम सेशंस कर चुके हैं, आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। 7 years इज अ लॉन्ग टाइम। जब भी किसी सेंटेंस में टाइम वर्ड प्रेजेंट होगा और टाइम को उसने डिनोट भी किया होगा, 10 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 50 साल हुए हैं, टाइम वर्ड प्रेजेंट है और उसने उसको डिनोट भी बताया भी है, तो उस केस में फॉर्मेटिंग क्या चली जाती है? सिंगुलर। अगर मान लो 500 रुपीज, एग्जाम्पल एक और दे रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 500 रुपीज डैश अ लार्ज अमाउंट 50 years ago, इसका मुझे आप आंसर देंगे। 500 रुपीज डैश अ लार्ज अमाउंट 50 years ago, इसका मुझे आंसर देंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा, फटाफट से आंसर देंगे। सेंटर द इंग्लिश, टफ फोन दिया, देखो लेवल में सूरज रोज दसनिया, पहले मैं बेसिक मॉडरेट लेवल करो ताही तुसी अगे एडवांस लेवल ते पुजोगे, डायरेक्ट जंप करोगे ना एडवांस ते कुछ समझ नहीं आएगा। सुधीर सैन जी कह रहे हैं अबोहर तो है गया तुसी, वेरी गुड। फाइव हंड्रेड रुपीज डैश अ लार्ज अमाउंट 50 years ago, अगो मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इज आर तो आएगा ही नहीं, वहां पे क्या आना चाहिए था, वॉज और वर, तो यहाँ पे डायरेक्टली वॉज आ जाएगा, ठीक है। 50 साल पहले 500 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ करते थे, तो करते थे बोलना है, यानी कि सिंगुलर फॉर्मेटिंग जाएगी क्योंकि अमाउंट वर्ड प्रेजेंट है और अमाउंट कितना था, 500 रुपए। अगर अमाउंट वर्ड प्रेजेंट ना होता सेंटेंस में तो वो प्लूरल फॉर्मेटिंग चली जाती। याद रखने हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्रेड एंड ऑमलेट डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड ऑमलेट डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने हैं एग्जाम में, सो प्लीज 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 ध्यान से रूल्स को पढ़ो, एक कॉपी लगाओ, रूल्स लिखो, इम्पोर्टेंट है। रवनीत, हम एक रूल कर रहे थे, यू आर आस्किंग कि क्या मैम फॉर्मेटिंग दोबारा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मैं बात कर रही हूँ साउथ इंडियंस की, सपोज साउथ इंडियंस की एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि मुझे जो आंसर्स दिख रहे हैं वो कुछ स्टूडेंट्स इस दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं आर। साउथ इंडियंस की फेवरेट डिश क्या है? सांबर डोसा, ठीक है, सांबर के साथ डोसा खाते हैं, तो सांबर एंड डोसा लगेगा, तो सांबर बिना डोसे के खा लोगे, हम खा लेते हैं क्या, हम या डोसा खाली खा लेते हैं, नहीं खाते ना, दोनों एज अ पेयर खाते हैं। जब भी हम जाते हैं मार्केट में, दे सर्व एज अ पेयर और वो आपको अलग चार्ज नहीं करते कि मैडम सांबर के या सर सांबर के इतने रुपए हैं, डोसा के इतने रुपए हैं, हम चार्ज नहीं करते क्योंकि उन्होंने एज अ प्लेट सिस्टम रखा है कि भाई आपको इसमें ये सब मिलेगा। तो जहां पे एज ए यूनिट, एज ए एक कॉम्बो मिलता है किसी भी चीज का, जब हम कॉम्बो बात करते हैं तो वो केस होना चाहिए सिंगुलर, और अगर उसको अलग अलग बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी प्लूरल। सिंपल, ब्रेड एंड ऑमलेट इकट्ठा खाया जाता है और नाश्ते की एक डिश है, इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेड एंड ऑमलेट इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये याद रखना रूल। अगर ये एज अ यूनिट काउंट हो रहा है तो सिंगुलर चला जाएगा, अगर वो अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं तो, जैसे मैं मार्केट गया, मैंने वहां से क्या खरीदा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, तो वो दो यूनिट हो गई, मैंने पैसे अलग अलग दिए, मैंने अलग अलग दो चीजें खरीदी, वो प्लूरल केस चला गया। अगर मैं उसको एज ए मुहावरा यूज करती हूँ कि ब्रेड एंड बटर कमाना आसान नहीं है, तो मैं एज ए यूनिट उसको यूज कर रही हूँ, तो वो सिंगुलर केस चला जाएगा। देखो समझना तो आपको पड़ेगा,
क्योंकि इससे इजी तरीके से कोई नहीं समझाता। ये नया पैटर्न है जो कि हमारे एग्जाम्स में आना स्टार्ट हो गया। हमने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं इस पैटर्न के, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं किए। तो ये नया पैटर्न है जो इंक्लूड हुआ है हमारे एग्जाम्स में। ये आपने ध्यान से देखना है। आपको करना क्या है, एक सेंटेंस गिवन होगा, उसको वो करेक्ट भी हो सकता है, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है। यानी वो सेंटेंस जो है हो सकता है ग्रामेटिकली करेक्ट है, हो सकता है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो आप रिप्लेस किससे करेंगे, बिकॉज देर आर फोर ऑप्शंस गिवन, ए बी सी डी। अगर रिप्लेस करना है तो ए बी सी ऑप्शन, नहीं करना तो नो इम्प्रूवमेंट। इसीलिए फटाफट से आप सब आंसर देंगे मुझे, या चैटिंग कम से कम करो यहाँ पे। महक, कौन सा बैच आपने परचेज किया है? पी ट्रिपल एस बी का बोल रहे हो तो 15 डेज में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आंसर आप सब मुझे दे रहे हैं सी सी सी। लेट्स सी, आई विश, मेरी विश है, यानी ये विश है, पूरा नहीं हुआ है। दैट मींस कोई काम चल रहा है जो विश के केस में होती है, जो पूरा नहीं होता। और विश के केस में व्हाट फॉर्मेट वी यूज, वी यूज पास्ट की फॉर्मेटिंग। विश के केस में हमेशा पास्ट की फॉर्मेटिंग आती है। आई न्यू पास्ट का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई न्यू पास्ट की फॉर्मेटिंग चल रही है, तो ये भी तो पास्ट की आनी चाहिए। इसकी जगह क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। मैंने ऑप्शंस नहीं देखी, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया, और अब मैं ढूंढूंगी अपना आंसर। आई विश आई नो, आई विश आई हैड नोन वॉट इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। आई विश वॉट इज रॉन्ग गलत हो गया। आई विश आई न्यू वॉट वॉज रॉन्ग विद माई कार। सो आंसर नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। आपका आंसर फटाफट से मुझे आ जाना चाहिए। ए बी सी डी ऑप्शंस आर गिवन। पीएसपीसीएल तो चल रहा है ऑलरेडी, बैच चल रहा है ऑलरेडी पीएसपीसीएल का पेड वाला, वो आप अटेंड कर लो। और पी ट्रिपल एस बी का 15 डेज में होगा स्टार्ट। परमदीप सिंह जी, इसमें इंक्लूडेड रहते हैं एडवर्ब और एडजेक्टिव की प्रैक्टिस चलती रहती है, बट हाँ आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रंट में डाले थे, और उसके अलावा नया पैटर्न जो था वो इंक्लूड किया है। इफ आई हैड द मनी, गाइज डू लाइक दिस सेशन। मैं भूल जाती हूँ इसलिए मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ, लाइक कर दो अपने आप से। भूपिंदर फोकस रखो अपना पढ़ाई थे। इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव, देखो फॉर्मेटिंग कहती है अगर किसी केस में वुड हैव होता है, कंडीशनल सेंटेंस है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कंडीशनल केस में वुड हैव की फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, हैड होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मेरे पास पैसे होते, उसने एक हैड तो लगा दिया होने के लिए, होना मतलब पोजेशन। अगर मेरे पास कोई चीज होती, इफ आई हैव मनी, ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो होने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, हैव और हैड की फॉर्मेटिंग, हैव और हैड की फॉर्मेटिंग। यहाँ हैव आएगा या हैड आएगा वो देखो, क्योंकि वुड हैव पास्ट चल रहा है। वुड हैव सेज कि आपको फॉर्मेटिंग यूज करनी है, हैड की पास्ट की फॉर्मेटिंग यूज करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था, इफ आई हैड हैड द मनी तो क्या होता। निशा ये तो प्रैक्टिस सेशंस ही चल रहे हैं, सिलेबस तो हम कर चुके हैं कंप्लीट ऑलरेडी, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं आपके इसमें यूट्यूब पे, पेड में हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप पेड के स्टूडेंट हो तो पेड में हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जस्ट बिफोर ही डाइड अमर हु इज अ पोएट रॉट दिस पोइम। आपको मुझे आंसर देना है करेक्ट वाला।
फटाफट से आंसर्स देंगे क्योंकि इसके बाद वील हैव वोकैबुलरी सेशन जो कि आपका बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहता है. गाइस डू लाइक दिस सेशन, लाइक कर दिया करो क्योंकि जितने स्टूडेंट जुड़ते हैं लाइक कम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली. हाय मीनू शर्मा, वेरी गुड आफ्टरनून जी. इजी है, जस्ट बिफोर ही डाइड फॉर्मेटिंग देख लो पास्ट की चल रही है. अमर हु इज अ पोएट, हु वाज अ पोएट रोट पास्ट, ठीक है दिस पोइम. तो मरने से पहले उन्होंने कोई कविता लिखी थी बस इतना, जो कि एक कवि थे ना, है तो नहीं है ना, थे और उन्होंने एक कविता लिखी थी. तो हर चीज जो है पास्ट में चली जाएगी. ये देखिए सब चीजें पास्ट में है. बाकी फॉर्मेटिंग सेंटेंस कुछ चेंज नहीं करना. ये जो सेंटेंस है ये एलिमिनेट डायरेक्टली हो जाएंगे क्योंकि उसने पूरा का पूरा सेंटेंस जो है चेंज कर दिया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. उस केस में चेंज हो सकते हैं अगर सेंस बन ही नहीं रही, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस करेक्ट था अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू सेंस, तो हम चेंज नहीं करेंगे. द फ्लैग विल बी राइजन ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट. वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सब स्टूडेंट्स आंसर्स कर रहे हैं. द फ्लैग विल बी राइजन ऑन द 15th ऑफ ऑगस्ट. तो क्या हो रहा होगा, 15 अगस्त को कोई काम चल रहा होगा. होगा की बात आनी चाहिए ना, विल बी, क्योंकि फॉर्मेटिंग ठीक है उसकी, विल बी लगाया उसने, लेकिन विल बी के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए. कोई काम हम बोल रहे हैं 15 अगस्त को होगा तो विल आ जाएगा. हम बोल रहे हैं हो रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी उसने विल बी की फॉर्मेटिंग लगाई है, तो दैट सेज कोई काम चल रहा होगा. जैसे आप बोल रहे हो कि मैम 8th से लेकर PSPCL के एग्जाम जो हैं 17 तक की डेट्स निकली हैं, तो उन दिनों में हमारे PSPCL के एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो हम क्या बोल देंगे कि उन दिनों कोई काम चल रहा होगा, उसमें फॉर्मेटिंग चलेगी विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की. तो ये सेकंड बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. वेरी गुड टू यू ऑल. और जिन्होंने इनकरेक्ट किए हैं डजंट मैटर यार, देख लो ये फॉर्मेटिंग थी, हमें ये याद रखनी है बस. चलिए ये हमारा कोड है, आपको याद रखना है. मेरा कोड है, जो भी आप परचेज प्रोडक्ट करते हैं अड्डा से, चाहे वो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, बैचेस हैं जो हम लॉन्च कर रहे हैं, PSSSB का बैच है, FCI का बैच है, जो भी बैचेस या बुक्स लेना चाह रहे हो आप या कोई टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हम पढ़ाई करते हैं, उसकी तैयारी कैसी हुई है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है अड्डा पे. तो आप ये कोड लगाएंगे, आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, ये फेस्टिवल के बेनिफिट होते हैं जो हमारा फर्ज होता है एज ए टीचर आपको बताना, सो दैट आप जब भी कोई चीज खरीदें आपको कोई भी चीज महंगी ना पड़े, आप उसका बेस्ट बेनिफिट उठा सके. और ये दिवाली गोवर्धन पूजा भाई दूज का ये फेस्टिवल जो ऑफर्स चल रही है. चलिए ये महापैक है 12 मंथ्स का, इसी तरह से 24 मंथ्स का महापैक अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप परचेज कर सकते हैं. PSSSB का बैच है, FCI वॉचमैन का बैच है, ये सारे बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं. नहीं अभी खत्म नहीं हुई बैच, ये बीच में है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम आफ्टर ट्विलिट एंड या ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, इसे हम क्या कहेंगे. ये वन वर्ड के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, ये वन वन मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम फिर भी फंस जाते हैं कहाँ क्या आंसर आना चाहिए. वोकैबुलरी तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं लेकिन कुछ इस तरह की नॉलेज है जो हमें होनी चाहिए. गुड आफ्टरनून कमल जी, क्लास ओवर नहीं हुई है, ये बीच में है, सब चल रहा है.
चलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे इवनिंग कहेंगे, डॉन कहेंगे, डस्क कहेंगे या इक्लिप्स कहेंगे, क्या आना चाहिए? इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ये मत सोचो कि ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, ये हमारी जनरल यार जो रोज होता है, सुबह आती है, दोपहर आती है, शाम होती है, उनको क्या कहते हैं, उन्हें तो हमें पता होना चाहिए ना। देखो डॉन क्या होता है, जनरली हम मॉर्निंग टाइम को कहते हैं, जब सूरज उदय होता है ना, सनराइज होता है, उस समय को हम क्या कहते हैं, डॉन। जो अर्ली मॉर्निंग होती है, जब किरने, जब सूरज बहुत ज्यादा नहीं निकला होता लेकिन फिर भी बादल से वो दिख रहा होता है इस तरह से, और इस तरह की लाइटिंग जो है आ जाती है, जैसे 6 बजे का समय हम उसको कहते हैं, जो लाइट आती है ना, सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़नी शुरू हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, डॉन कहेंगे, याद रखना आपको। नेक्स्ट है डस्क, डस्क, डस्क या ट्विलिट या ट्विलाइट जो होता है, मोस्ट प्रोबेबली सिनोनिम है, होता क्या है, ये रात का समय होता है ना, जब सूरज जो है सन सेट हो जाता है, उसके बाद का जो समय होता है, नाइट से पहले का समय, सनसेट के बाद का समय, उसे हम कहते हैं डस्क। जो रात का समय होता है, इवनिंग भी होती है, हल्की हल्की चांद की रोशनी आ जाती है, उस समय को हम क्या कहते हैं, डस्क कहते हैं। और एक्लिप्स वर्ड था ग्रहण, जिसे कहते हैं आम भाषा में, हिंदी की भाषा में ग्रहण लगना। ग्रहण होता क्या है, जब चांद और सूरज आपस में या पास कर रहे होते हैं, कोई दोनों में से एक पास करता है, तो वो एक पार्शियल हमें दिखता है, कभी सूरज फुल मून कहते हैं ना कि ग्रहण है, फुल मून का ग्रहण है, कभी पार्शियल ग्रहण होता है, कभी सन का ग्रहण होता है, कभी सूरज आधे का ग्रहण होता है, कभी पूरे का ग्रहण होता है। तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली सूरज और जो चांद है वो आपस में पास कर रहे होते हैं, इसीलिए उसको ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और ट्विलाइट या फिर डॉन एंड डस्क को समझ सकते हैं इस तरह से, जब सनराइज हुआ है, ठीक है, 5-6 बजे सनराइज हुआ है, उस समय को हम क्या कह सकते हैं, 6 बजे 6:30 बजे तक का सनराइज है, उस समय हम क्या कहेंगे, डॉन कह देंगे। और सनसेट हो गया, सनसेट के बाद रात से पहले का समय, या जिसे हम ट्विलाइट कहते हैं या डस्क कहते हैं, उसे हम डस्क कहते हैं। रात हो चुकी है, रात से पहले का समय, इवनिंग टाइम कह सकते हो आप, उसे हम डस्क कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या था, डस्क। अब जिस जिसने डॉन दिया है वो देख लीजिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, इवनिंग ही होता है एक्चुअली भूपिंदर, इवनिंग ही होता है, लेकिन हाँ ये वोकैबुलरी वर्ड है, हमें आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ ना, ये मैंने वोकैबुलरी आपको एक एक करवा रखी है, लेकिन देखते हैं आपको आता है या नहीं आता। An accident which results in death, उसे हम क्या कहते हैं, और इसके बाद हम वोकैबुलरी सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग रहता है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। गाइज डू लाइक दिस सेशन, हाँ जी इवनिंग कह सकते हैं, एग्जैक्टली इवनिंग तो देखो 6 बजे के बाद हो जाती है इवनिंग, 4 बजे के बाद का जो टाइम है, 5 बजे के बाद का इवनिंग कहते हैं, लेकिन उस समय सूरज होता है, इसीलिए हम डस्क नहीं कह सकते ना उस चीज को जहाँ सूरज दिख रहा है। सूरज तो हो गया जब वो चला गया, सनसेट हो गया, उसके बाद का टाइम की बात कर रहे हैं हम, जो ट्विलाइट या फिर डस्क कहलाएगा। दैट इज करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट, फैटल आंसर है। अब हम फैटल कहते किसको है, ध्यान से ये समझो, फैटल कोई किसी की डेथ हुई है एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट किस किस को एक्सीडेंट कहेंगे, गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया है ना, उसको एक्सीडेंट कहते हैं जनरली। एक एग्जांपल मैं आप सबसे शेयर करूंगी, यहाँ फैटल किसी को किसी ने गोली मारी, किसी को किसी ने तीर कमान मारा, ये आप पहचानते हैं कौन है, श्रवण कुमार है, जो कि जिनके पेरेंट्स जो थे हर्मिट थे। हर्मिट क्या होता है, वोकैबुलरी वर्ड है, याद रखना है, हर्मिट, HERMIT, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने नीचे लिख दिया, शायद विजिबल नहीं है वो, HERMIT। हर्मिट क्या होता है, जो बेसिकली बाहर नहीं निकलते थे, वो घर में ज़्यादा रहना पसंद करते थे,
उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हमें तीर्थ यात्रा पे पिलग्रिमेज लेकर जाओ, 40 पिलग्रिमेज पे वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हमें लेकर जाओ। उनके बेटे ने इस तरह से लेकर गए और फिर क्या हुआ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। वहां पे जंगल में उनको प्यास लगी तो वो उनका बेटा पानी लेने गया। दशरथ जो थे, राजा दशरथ जो राम भगवान के फादर थे, उनको लगा, वो शिकार के लिए निकले हुए थे, उनको लगा कोई जानवर है। उन्होंने वहां पे अपना तीर कमान मार दिया तो वहां पे उनको उनके बेटे को तीर लग गया और उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से किसी की डेथ होती है, डजंट से कि एक्सीडेंट हुआ है तो ही डेथ होगी तो ही उसको फैटल कहेंगे। किसी भी कारणवश किसी की डेथ होती है तो उसे भी हम फैटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फैटल कहते हैं। इतना सब स्टोरी सुनाने का मकसद मेरा यही था कि फैटल मतलब आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए, और इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी स्टोरी को, स्टोरी लंबी है, ठीक है? तो आपको याद रखना है फैटल को कहते क्या है, फैटल हमारा आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन हम कल करते हैं, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है हमारे। वोकैबुलरी शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, फर्स्ट वर्ड इज जक्स्टापोज। जक्स्टापोज क्या होता है? अगर आप एक पिक्चर, एक इमेज जो कि सामने आपको दिख रही है वो देखते हैं तो उसमें आपको क्या चीज दिख रही है जक्स्टापोज में? एक चीज अलग है, एक चीज अलग है, दोनों चीजें अलग है लेकिन दोनों चीजें सामने उसने शो करने की कोशिश की है। अगर आप ये पिक्चर, ये इमेज देखेंगे, यही वो बिल्डिंग है, यही वो बिल्डिंग है, वो नई बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंग है, सेम बिल्डिंग है, उसको उन्होंने रिन्यू किया है, उसको उन्होंने, वो पुरानी बिल्डिंग है जो कि खंडर बन गई, 1945 की बिल्डिंग है, ये 2015 की बिल्डिंग है, सेम बिल्डिंग है लेकिन उन्होंने उसको रिस्टोर कर लिया है, इस तरह से कह सकते हैं। तो मतलब क्या है जक्स्टापोज का मतलब क्या है? जब हम दो इमेजेस को आमने सामने रखते हैं फॉर कंपैरिजन, सेम चीज है, सेम टाइप हो सकती है या डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, या सेम चीज के पुराना वर्जन नया वर्जन दिखा सकते हैं। तो जब दो चीजें आमने सामने रखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जक्स्टापोज। अब यहाँ पे इस वाली पिक्चर में आप देखेंगे दोनों ने शूज को डिफाइन किया है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन है तो शूज ही ना, लेकिन आमने सामने रखे गए हैं उसे हम कहते हैं जक्स्टापोज। चलिए नेक्स्ट वर्ड है गैलोर। गैलोर का मतलब क्या होता है? थैंक यू चीना, आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ यार आपको इजी से इजी वे में आपको मैं हर चीज को एक्सप्लेन करूं और आपको हर चीज याद रहे। मेरे सेशन लेने का मकसद ही यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए गैलोर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में। अब जैसे इधर यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इमेज वन, इमेज टू, वहां पे आपको क्या चीज दिख रही है? फ्लावर्स हैं जो कि बहुत प्लांटीफुल हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल फ्लावर्स का लिया, आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप होटल में जाते हैं ना तो बफे सिस्टम होता है वहां पे, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हर एक डिशेज रखी जाती है। नॉर्थ इंडियन डिशेज, साउथ इंडियन है, इटालियन है, मैक्सिकन है, थाई है, या हमारा पंजाबी फूड है, वो सब रखा जाता है। तो उसे भी हम गैलोर कहते हैं, यानी कोई भी मात्रा, अधिक मात्रा में कोई चीज सामने है उसे हम गैलोर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्लन। एक्लन का मतलब क्या होता है? एक्लन के लिए ये दो इमेजेस हैं। पहली इमेज देख लो, ये कुछ उसकी जहाज की इमेज है, ठीक है, एयरक्राफ्ट की इमेज है। सो कोई भी चीज जब रोज में लगी होती है ना, जैसे गाड़ी पार्क करने जाते हैं, किसी होटल में जाते हो, शादियों पे जाते हो तो पार्किंग वाला बाहर खड़ा होता है, या दिल्ली में जाते हो ना तो दिल्ली में वो सरोजनी नगर है, तिलक नगर है, वहां पे पार्किंग सिस्टम होता है। आजकल तो सभी जगह पार्किंग सिस्टम है, मॉल के अंदर पार्किंग सिस्टम है। तो मॉल के अंदर जब पार्किंग सिस्टम होता है ना, वो क्या कहता है कि आपकी गाड़ी जो है ना यहाँ पे पार्क होगी, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट। तो ये जो रोज में कोई चीज लगी होती है, एक ही रो में कोई चीज लगी है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्लन।
a formation of troops, ships, aircraft or vehicles in parallel rows with the end of each row projecting further than the one in front. यानी एक के बाद अगला लगा है, फिर तीसरा लगा है, फिर चौथा लगा है, फिर पांचवा लगा है. इसी का एक और मतलब होता है एक्लन का. वो मतलब क्या हुआ है, जब हम किसी की पोजीशन बताते हैं, रैंकिंग बताते हैं, किसी की लेवल बताते हैं, किसी का प्रोफेशन बताते हैं. फॉर एग्जांपल बैंक की बात करें. आई होप ये मैं जो लिख रही हूँ ये विजिबल है, या मैं कलर चेंज कर लूँ यहाँ पे. गाइज डू लाइक दिस सेशन, है ना, लाइक जरूर कर देना. नहीं मैंने ये एक्लन नहीं करवाया है. प्री कश्यप वेरी गुड इवनिंग. मैंने एक्लन नहीं कराया, लेकिन मतलब मैंने करवाया उसको, कोई और सिनोनिम कराया मैंने इसका, जैसे हम रैंकिंग के नाम से जानते हैं, सिनोनिम किया है आपने. एक्लन वर्ड हम पहली बार कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम टीयर बताते हैं, वन टीयर, टू टीयर, थ्री टीयर, एसएससी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें टीयर सिस्टम होता है. टायर नहीं बोलते, बहुत सारे स्टूडेंट्स टी आई ई आर को टायर बोल देते हैं, वो गलत होता है, टीयर बोलते हैं उसको, ठीक है. तो टीयर वन टीयर टू यानी कि रैंकिंग बता रहा है, यानी कि उसका एक बता रहा है, हायरार्की बता रहा है कि इसमें अगर आपको ये एग्जाम को जॉब लेनी है तो टीयर वन टीयर टू को क्रैक करना पड़ेगा. उसको भी हम एक्लन कहते हैं. एक्लन ये जो अगर पोजीशंस हैं इनको भी एक्लन कहते हैं, हायरार्की को एक्लन कहते हैं. प्रोफेशन में जो हमारी रैंकिंग आती है, बैंक की जो रैंकिंग है, एसएससी सॉरी क्लर्क है, एलडीसी है, ग्रेड डी है, ग्रेड सी है, ग्रेड बी है, ग्रेड ए है, उनको डिफाइन करने के लिए वी कैन यूज द वर्ड रैंकिंग एक्लन, ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं, बी सॉर्टेड. बी सॉर्टेड का मतलब होता है किसी चीज से अधिक प्यार होना, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन होना, किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं कि उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे. मैंने दो एग्जांपल लिए हैं. देखो अट्रैक्शन जो होती है ना दो तरीके की हो जाती है, इसीलिए दो एग्जाम्पल्स भी ले लिए. एक नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी. एक होती है बच्चों वाली अट्रैक्शन, बार्बी डॉल्स की अट्रैक्शन, जितनी गर्ल्स हैं या जितनी बॉयज हैं उनको कार्स की अट्रैक्शन रहती है कि अलग अलग तरह के उनको गाड़ियां चाहिए, अलग अलग तरह के उनको टॉयज चाहिए. तो वो एक उनका एक रुझाव है, उनका प्यार है किसी चीज के प्रति, और वो उसके साथ खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वो पॉजिटिव हो गया. लेकिन अगर वही रुझान हमारे को खराब कर रहा है, हमारे व्यवहार को खराब कर रहा है, हमारी को गलत आदतों में डाल रहा है, तो वो नेगेटिव हो गया. बी सॉर्टेड अगर ड्रिंक्स के साथ हो जाता है, हमें एक्सेसिव ड्रिंक्स है ना, अल्कोहल ले रहे हैं हम, वाइन पी रहे हैं हम, सिगरेट पी रहे हैं हम, ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिव काउंट होती हैं. जो होता क्या है, अगर आप देखें वो इंसान हैबिचुअल होता है, हो जाता है और उसके बिना वो नहीं रहता है, उससे हम क्या कहेंगे, बी सॉर्टेड कहेंगे. यू हैव टू रिमेम्बर. एंड गाइस जब हम सेशन करते हैं ना वोकैबलरी का, मैंने आपको मैं कहती रहती हूँ कि हमेशा वोकैबलरी के सेशन में अपने सिनोनिम्स लिखने की कोशिश किया करो. इसे हम और क्या क्या कह सकते हैं, इससे आपका अपना ज्ञान बढ़ेगा. नेक्स्ट मतलब तो मैं समझा ही देती हूँ ना, तो बहुत आसानी से आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ भी लिख सकते हो. आर्बोरियल, आर्बोरियल मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति या कोई एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एनिमल्स का पिक्चर लगा है. एनिमल्स जो लोग जो एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनका कनेक्शन ट्रीज के साथ होता है, जिनका कनेक्शन फॉरेस्ट के साथ होता है, वो वहीं के लिविंग नेटिव होते हैं, उनका घर हैबिटेट जो होता है वहीं का होता है, ट्रीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, उन्हें हम आर्बोरियल कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रीज के साथ जिनका गहरा कनेक्शन है, वो लोग भी आर्बोरियल ही कहलाते हैं. ग्रेट आतिश कुमार जी, वेरी गुड आफ्टरनून. सो अब आपके लिए ये क्विज है, वो कैपलरी का क्विज है. आपको करना क्या है, एक पिक्चर्स दिख रही हैं, ये पिक्चर नंबर वन है, ठीक है, ये पिक्चर नंबर आपकी,
ये पिक्चर नंबर 2 है, ये पिक्चर नंबर 3 है, ये पिक्चर नंबर 4 है, ये पिक्चर नंबर 5 है। आपको ये 5 पिक्चर्स देख के, 4 शायद आपको विजिबल नहीं है क्योंकि मैं सामने आ रही हूँ, ये 5 पिक्चर्स देख के आपको मुझे वर्ड बताना है इसे हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर देखा जाए ये व्यक्ति चेस खेल रहा है, ये वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहे हैं, ये कुछ आर्ट वर्क कर रहे हैं क्ले से, है ना, या फिर वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, ये जगलिंग कर रहे हैं, और ये फिफ्थ वाला जो फोर्थ वाला पर्सन है इसको भी मैं आपको विजिबल कर देती हूँ एक सेकेंड के लिए। ये मैंने अपने आप को हटा लिया आपको सो दैट पिक्चर दिख जाए। तो ये फोर्थ वाला जो है ये कुछ माइक पे कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए चैलेंज है अभी के लिए, यू हैव टू गिव मी द आंसर ये एग्जैक्टली किस से रिलेटेड वोकैबुलरी है। वेरी गुड आफ्टरनून अनु जी, आंसर देना है आगे, फटाफट से आंसर दे दो मुझे। हाँ जी स्पीच दे रहे हैं, अगे होर दसो की हो रहा, वो तो मैं तुम्हें दसता की हो की रहा, तुहानू मैनू आंसर देना है किस रिलेटेड वर्ड हैगा, की चीज दर्शा रहा है, कोई ना कोई क्वालिटी दर्शा रहा है। आ चैस खेल सकता है वधिया तरीके नाल, आ क्वालिटी मैं हिंट भी देता है, आ वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहे क्वालिटी होगी, ऐ साडे विच कोई क्वालिटी हैगी पर्टिकुलर परसन विच, वो मिट्टी के बर्तन बना रहे, आ जगलिंग कर रहे क्वालिटी हैगी, की कर रहे हैं माइक पे स्पीच दे रहे हैं, यानी अगेन क्वालिटी हैगी, तो क्वालिटी रिलेटेड जिहड़ा है साड़ा आंसर होना चाहिए है। हाय सिमरनजीत, हाँ जी आपको क्लास के बाद लिख लेना, जब वो कैबलरी का क्लास ओवर हो जाता है ना, वीडियो ओवर हो जाती है उसके बाद दोबारा से वीडियो देखा करो, उसके बाद लिखा करो, क्योंकि यहाँ पे समझा करो क्लास के बाद इवनिंग में बैठ के जब भी आपको टाइम लगे दोबारा से वीडियो को देखो, दोबारा से इनके आंसर्स लिखो। टैलेंट को क्या कहते हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे से मुझे बताया है, हमारे टैलेंट की बात हो रही है ना, प्रोफेशन की बात हो रही है, कोई ना कोई चीज कर रहे हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एड्रॉइट, एड्रॉइट कहते हैं, यानी हमारे अंदर कोई गुण है, हम गुणी हैं, हम चतुर हैं, हम तेज हैं किसी काम को लेकर, हमें कोई चीज बहुत अच्छे से आती है तो हम एक्सपर्ट भी हो गए, हम उस चीज के पर्टिकुलर चीज के मास्टर हैं, जैसे लोग बातों के मास्टर होते हैं एक्सपर्ट होते हैं, जैसे लोग पेंटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, डांसिंग में एक्सपर्ट होते हैं, या सिंगिंग में एक्सपर्ट होते हैं, या समझाने में एक्सपर्ट होते हैं, या टीचर एक प्रोफेशन में एक्सपर्ट होता है, कुक एक कुकिंग में एक्सपर्ट होता है, तो उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन आपका आज डाला था, सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन था, तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगा समझाने का, तो मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उसे हम स्किलफुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, अडेप्ट कह सकते हैं, ये जो डेक्स्ट्रस वर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैं बता रही हूँ, बहुत एग्जाम्स में ये आता ही आता है, डेक्स्ट्रस वर्ड हो गया जो हमारी क्वालिटी को बताते हैं किसी चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं, उसे हम प्रोफिशिएंट भी कहते हैं, उसे हम आर्टफुल भी कहते हैं, यानी हमारे हाथ का गुण, हमारे दिमाग का गुण, ठीक है, यानी कि जो काम हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं उसे हम क्या क्या कह सकते हैं, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपने वो लिख लेने हैं। और एंटोनिम मुझे नहीं आता, मैं इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नया हूँ, मैं बिगनर हूँ, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, एंटोनिम बन गए, यानी कि इनके जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कोई अगर व्यक्ति बिगनर है, कोई व्यक्ति नोवाइस है, कोई व्यक्ति इनएक्सपीरियंस्ड है, कोई व्यक्ति अनस्किलफुल है, कोई व्यक्ति अनप्रोफेशनल है, कोई व्यक्ति आर्टलेस है क्योंकि वहां ऊपर आर्टफुल था तो ये लेस हो गया, कोई व्यक्ति नया है काम में तो अमेट्योर भी आ जाता है, या कोई व्यक्ति प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह नहीं लेता, एक टाइम पास समझता है, वो भी इसमें आ जाता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। वेरी गुड,
ठीक है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई कला है, वो कला को हम कैसे डिफाइन करेंगे। या कोई चीज मुझे बहुत अच्छे से आती है, आपको लगता है आपके अंदर गुण है किसी भी चीज के, आप बोल सकते हो कि मैं इस चीज को लेकर मैं एक्सपर्ट हूँ, इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। नेक्स्ट इज बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव गुण भी होते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज भी होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, कोई पॉजिटिव बहुत ज्यादा होते हैं कई बार नेगेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो बेनेवोलेंट होता है ये पॉजिटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है काइंड। काइंड यानी कि किसी के प्रति, दूसरे के प्रति हम काइंड हैं, हम सिंपथेटिक हैं, हम एम्पथी रखते हैं, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को सर्व करते हैं, हम क्या हैं और फिलंथ्रोपिस्ट हैं, क्योंकि फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो दूसरों की मदद करता है, और हम क्या हैं, हम जेनरस हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम है, यानी दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, किसी को कोई चीज चाहिए तो हमने उसको प्रोवाइड कर दी। बेस्ट एग्जांपल था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने हमेशा समाज सेवा किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड थी, उनका नेचर था, वो दूसरों के प्रति हमेशा मदद करती थी, हेल्पफुल थी, इसे कहते हैं परोपकारी। हाँ जी, दैट इज करेक्ट, काइंड टूवर्ड्स अदर ही हमारा आंसर है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, कंपैशनेट है, सॉफ्ट हार्टेड है, सिंपथेटिक है, एमिकेबल इंपॉर्टेंट है, अफेबल इंपॉर्टेंट है, बिनाइन इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, बिनाइन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रखिएगा, कॉर्डियल इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली हमें आता है। तो ये सारे हमारी सिनोनिम्स हैं, और जो व्यक्ति अपोजिट में क्या हो गया, जो दूसरों के प्रति मंशा, गलत मंशा रखता है, हेट करता है, जो मर्सीलेस होता है, एक होता है मर्सी, दया रखना, ठीक है, और जिसके अंदर है ही नहीं उसे हम क्या कह देंगे, मर्सीलेस है ये व्यक्ति, तो बड़ा क्रूल है, ये रूड है बड़ा, इसके अंदर दया ही नहीं है, ये तो बड़ा इरिटेटिंग व्यक्ति है। तो जितने नेगेटिव वर्ड्स है ना यार, सब इसमें आ जाएंगे बेनेवोलेंट के ऑपोजिट में। इम्पॉर्टेंट इसमें से मैं बता देती हूँ मैलिशियस। मैलिशियस एक वर्ड कंप्यूटर का भी वर्ड है, जो करप्ट करता है, जो वायरस क्रिएट करता है, उसे भी हम करप्टेड वर्ड कहते हैं। एंड मलाइन भी कंप्यूटर का ही एक वर्ड है, जो अगेन वायरस से रिलेटेड रहता है, करप्ट करता है फाइल्स को। बेनेवोलेंट पॉजिटिव हो गया, मैलेवोलेंट नेगेटिव हो गया, ये याद रखना है, ठीक है, ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलेवोलेंट, मैलिशियस, मलाइन, बाकी आप आइडेंटिफाई आराम से कर लेंगे, ठीक है, जितने नेगेटिव वर्ड हैं वो एंटोनिम में चले जाएंगे। दैट इज करेक्ट, इन ह्यूमन आ जाएगा, ह्यूमन है तो पॉजिटिव हो गया, इन ह्यूमन है तो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट इज वर्टिको। वर्टिको का मतलब क्या होता है, वर्टिको एक यू कैन से एक हमारी डिसऑर्डर हो सकता है, एक हमारा मेडिकल कंडीशन हो सकता है जिसमें हमारा सर चक्राता है, सर घूमता है, या ऐसा लगता है कि हमारे आसपास की जो चीजें है ना वो घूम रही है, हमें कई बार लगता है धरती घूम रही है, कई बार लगता है पंखे घूम रहे हैं, कई बार लगता है रूम घूम रहा है, कुछ भी घूम नहीं रहा होता, हमारे को चक्कर आ रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिको। ये एक सिम्टम होता है, एक मेडिकल कंडीशन होता है, जब हमारा जो सर होता है वो चकरा रहा होता है, और ये कई बार नोटिसेबल होता है, कई बार नहीं होता, कोई बड़े ज्यादा लेवल पे हो तो नोटिस कर लिया जाता है, नहीं होता तो नहीं नोटिस करते। यूजुअली ये कब आते हैं, जब किसी व्यक्ति का बीपी लो हो, बीपी बढ़ गया हो तो चक्कर से आते हैं, या कुछ और मेडिकल कंडीशंस हो तो मोस्ट प्रॉब्ली चक्कर आते हैं। हाँ जी, गिडीनेस भी होता है। हम क्रेसी से रिलेटेड रोज वर्ड करते हैं, एक मैं हर दिन आपको क्रेसी से रिलेटेड एक वर्ड जरूर करवाती हूँ, शासन से रिलेटेड, ठीक है, सारे एक दिन में नहीं करवाती ताकि आपको याद रहे।
कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जब कोई लीस्ट कॉम्पिटेंट व्यक्ति होता है ना, लीस्ट सुटेबल व्यक्ति, जिसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, जो इस लायक ही नहीं है कि वो सरकार को चला सके, जिससे अकल भी नहीं है, जिसे तमीज भी नहीं है, और जिसे कुछ भी नहीं आता, जो पढ़ा हुआ भी नहीं है, जो जो मैनेज भी नहीं अच्छे से कर सकता, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, जिसके अंदर एक कंपैशन नहीं है लोगों के प्रति, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता, अगर वो व्यक्ति शासन करता है, रूल करता है, तो हम क्या कहेंगे? कैकिस्टोक्रेसी कहेंगे, याद रखना है, कैकिस्टोक्रेसी। क्रेसी से तो ये याद रखो शासन की बात हो रही है, कुछ गवर्नमेंट रूल की बात हो रही है, बस फ्रंट के वर्ड याद करने आपको, कैकिस्टोक्रेसी क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम एनिवर्सरी से रिलेटेड भी रोज एक वर्ड मैं डालती हूँ जरूर, कुछ वर्ड्स रह गए हैं, फिर वो एनिवर्सरी वाला जो एक लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इंसान 70 से 79 सालों के बीच में होता है, हमने पढ़ लिया 80 वाले को क्या कहते हैं, 90 वाले को क्या कहते हैं, 80 वाले को कहते हैं ऑक्टोजेनेरियन, ठीक है, याद रखो साथ साथ में। मैंने आपका संडे को एक मैराथन लगानी है वोकैबलरी की, तो उसमें वोकैबलरी जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं या जो स्टूडेंट्स पुराने हैं, उन सब के लिए वो वोकैबलरी का टेस्ट होगा, ठीक है। वोकैबलरी जितनी हम कर चुके हैं, बाहर से नहीं डालूंगी, जितनी हम कर चुके हैं वो सारी कंप्लीट वोकैबलरी संडे को मैराथन लगाऊंगी मैं, तो आपको अटेंड करना है। 90 वाले को हम क्या कहते हैं, नोनाजेनेरियन। अब ये है 70 से 79 वाले को हम क्या कहेंगे, सेप्चुआजेनेरियन, यानी 70, सेप से याद रखना, कुछ 70 से 79 के बीच की कैटेगरी आ गई, जो इसके बीच में फॉल करते हैं उसे हम कहेंगे सेप्चुआजेनेरियन, ठीक है, याद रखना है। मोदी क्या है, मोदी भाई यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं मुझे पसंद मेरी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगैमी। संडे एग्जाम, कौन सा एग्जाम है अभिषेक, कोई एग्जाम है क्या आपका? पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है, यहां से ये याद रखो, ज्यादा, एक से ज्यादा की बात हो रही है, यहाँ पे भी पॉली है यानी कि ज्यादा की बात हो रही है, दोनों वर्ड्स मैं यहां लिख देती हूँ, एक पॉलीगैमी है, एक पॉलीएंड्री है। ठीक है, अगर एक लेडी एक से ज्यादा शादी करती है, एक लेडी, एक फीमेल, एक से ज्यादा उसके हस्बैंड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीएंड्री कहलाता है। अगर एक से ज्यादा शादी करी फीमेल ने तो पॉलीएंड्री हो गया, अगर मेल ने एक से ज्यादा शादी करी है तो वो पॉलीगैमी हो गया। तो गैमी समथिंग रिलेटेड टू मैन, गैम मैन, गैम मैन से रिलेट कर लेना, यानी गैमी का मतलब आप मैन से रिलेट कर लेना, मैन की बहुत ज्यादा वाइफ है, ऐसे कुछ रिलेट कर लेना, और येंड्री यानी फीमेल को वो डिनोट कर रहा है, फीमेल से को समझ लेना, तो याद कर लेना, गैमी मैन और येंड्री फीमेल। तो मैन की बात हो रही है तो गैमी पॉलीगैमी आंसर हो जाएगा, फीमेल की बात हो रही है तो पॉलीएंड्री आपका आंसर हो जाएगा। अनु छलोत्रा, कौन सा पेपर है, अच्छा मार्क फेड का, हाँ तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे देख लेना, जब आपको टाइम लगे तब देख लेना। बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो पेपर रहे, एक वो कैबलरी का सेशन रखा है मैंने संडे को, तो यही ये आपका कंक्लूड किया है मैंने वो कैबलरी सेशन को, कंक्लूड करते हैं हम असाइनमेंट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी असाइनमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा सा है, ट्रिकी है, आप सभी ने आंसर्स दिए हैं, आई अप्रिशिएट, आप सभी ने आंसर्स चेक किए थे मैंने, जिस स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए हैं आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन वो आंसर में कहीं ना कहीं ट्रिक है, ठीक है, इसलिए मैं इसको कल अपने सेशन में क्वेश्चन के तौर पे डाल के लेकर आऊँगी और वो आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज का जो क्वेश्चन है होम असाइनमेंट का, वो आप करके लेकर आएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में इस होम असाइनमेंट के क्वेश्चन का आंसर देना है, जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आंसर देंगे, यहाँ पे आंसर नहीं देना है। और सभी ने सेशन को लाइक करना है, डू लाइक द सेशन यार, सेशन लाइक कर दिया करो, ठीक है, बार बार मैं
बोल तो देती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बीच बीच में याद आ जाता है, लेकिन प्लीज लाइक दिस सेशन। तो ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का, आपने ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना है, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, उसमें वोकैबुलरी जितनी मैंने आपको कराई है वो लिख लीजिएगा, जितना मैंने आपको रूल समझाए हैं वो लिख लीजिएगा, और ये होम असाइनमेंट देख के इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो ये सेशन को कंक्लूड करते हैं, ये सब फेस्टिवल्स चल रहे हैं इसके लिए अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड कर रहा है बेनिफिट्स। Y356 कोड लगाएंगे, ये कोड लगाते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है, आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, चाहे आप अड्डा 24/7 के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, SBI का पैक हो गया, IBPS का पैक हो गया, या कोई मॉक टेस्ट परचेज करना चाह रहे हैं आप, तो वो भी वहां से परचेज करते हैं, उसमें भी आपको सेम बेनिफिट मिलेंगे Y356 कोड लगाने पे, ठीक है। तो ये है Y356 कोड, याद रखिएगा, ये ही है कोड जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जो है देगा, प्रोवाइड करेगा। 77% का बेनिफिट चल रहा है अभी, 1% बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप अड्डा की ऐप से परचेज करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं सेशन को, आई होप आप सब सेशन को एंजॉय करते हैं, पसंद आया होगा आपको सेशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं ज़रूर लिखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं ज़रूर लिखिए, मैं मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी की एक मदद करते हुए, ठीक है। और आपका हम टारगेट लेके चले हैं कि हमें एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है, इसीलिए मेहनत करो यार, डेडिकेशन से मेहनत करो, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। और कमिंग डेज में विद इन 1-2 डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट PSSB के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट PSSB को अब भर रहे हैं उनके लिए ये बैचेस जो है बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए सेशन को कंक्लूड करते हैं, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं कल फिर से 12 बजे, थैंक्स टू यू ऑल।